यीशु सन्नी संरिक्तिस में संत बौस्टीना को बार बार दर्शन देकर बताया, लोगों को बताओ कि वे मेरे करुणा की ओर आए। और ये भी बताया कि यीशु का दोबारा आगमन में पहले यीशु दया का राजा के रूप में इस धरती पर प्रकट होगा। और जो लोग यीशु का करुणा का फाटक से प्रवेश नहीं करते हैं, उसको न्याय का फाटक से प्रवेश करना पड़ेगा। और वह वक्त कठिन है और बहुत कम लोग उसके द्वारा स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। इसलिए हम इस नोवेना का माध्यम से अपने आप को यीशु का करुणा में हृदय में समर्पित करेंगे और हम भक्ति भाव से नौ दिन ये नोवेना करेंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मुख्य उद्देश्य शिथिल और उदासीन आत्माओं के लिए। यीशु ने संत फौस्टीना से कहा, आज शिथिल और उदासीन आत्माओं को मेरे दया के सागर में प्रवाहित करें। ये आत्माएं मेरे हृदय के घावों को पीड़ा देती है। मैंने शिथिल आत्माओं के कारण गेत्सेमानी बाग में अति प्राणघातक पीड़ा सहा है। इन आत्माओं के कारणवश मैंने कहा था, हे पिता, यदि हो सके तो यह प्यारा मुझसे हटा ले। इनकी मुक्ति की अंतिम आशा मेरी मानती दया की ओर पुनः लौट कर आना है। प्राप्त कृपा, आइए हम निरुत्साह और उदासीन आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, जिन्होंने यीशु को जैतून पहाड़ी के गेत्सेमानी बाग में उनकी आत्मा की सड़ी हुई अवस्था के कारण दुर्गंध और पीड़ा पहुंचाई है। प्रभु यीशु से प्रार्थना, हे अति दयालु यीशु, आप स्वयं करुणा हैं। सारी निरुत्साह शिथिल और उदास आत्माओं को आपके अति दयावान हृदय धाम में ले लीजिए, जो अपनी अरुचि के कारण मृत्यु के गर्त के निकट हैं। हे दयालु यीशु, जैतून पहाड़ी के गेत्सेमानी बाग में अपना मरण संकट द्वारा निरुत्साह उदास आत्माओं से आरुचि निकालकर उन्हें बचा लीजिए। अपने प्रेम अग्नि में मग्न कर उन्हें भय व निरुत्साह से मुक्त करें, जिससे वे हमेशा आपकी असीम दया की स्तुति करते रहे। आमीन। आइए हम करुणा की माला विनती करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे स्मृति पर भी पूरी होवे। हमारा दैनिक आहार हमारे अपराध का पाप हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु दुष्ट से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे सामने, धन्य दृष्टियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेतों का धर्म सार सर्वार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुमारी मरियम से जन्म लिया, पौंतीस वर्ष उसके समय दुख भोगा, सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और अपनाया गया, लेमोस ने उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की गाय में विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र रात्रि कलीसिया धर्मियों के संबंध पापों की क्षमा देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करती हूँ। आमीन। हे शाश्वत परम पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वरता को आपको चढ़ाता हूँ। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर और सारे संसार पर दया कर। यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर और सारे संसार पर दया कर।
कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर हे शाश्वत परम पिता मैं अपने सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर अमृत उसकी आत्मा और ईश्वरता को आपको चढ़ाता हूँ यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर हे शाश्वत परम पिता मैं अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त उसकी आत्मा और ईश्वरता को आपको चढ़ाता हूँ यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर हे शाश्वत परम पिता मैं अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त उसकी आत्मा और ईश्वरता को आपको चढ़ाता हूँ यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर हे शाश्वत परम पिता मैं अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त उसकी आत्मा और ईश्वरता को आपको चढ़ाता हूँ यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे
हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर यीशु के अति कठिन दुख के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर हे परम पावन परमेश्वर परम पावन सर्वशक्तिमान परम पावन हम पर सारे संसार पर दया कर हे परम पावन परमेश्वर परम पावन सर्वशक्तिमान परम पावन अमर हम पर सारे संसार पर दया कर हे परम पावन परमेश्वर परम पावन सर्वशक्तिमान परम पावन अमर हम पर सारे संसार पर दया कर संत फाउस्टिना की दिव्य दया की स्तुति विनती प्रभु हम पर दया कर प्रभु हम पर दया कर क्रिस्त हम पर दया कर क्रिस्त हम पर दया कर प्रभु हम पर दया कर प्रभु हम पर दया कर क्रिस्त हमारी प्रार्थना सुन क्रिस्त दयालु होकर हमारी प्रार्थना सुन हे स्वर्ग में विराजमान पिता ईश्वर हम पर दया कर हे संसार के पाप हरने वाले पुत्र ईश्वर हम पर दया कर दिव्य दया सृजनहार के सर्वश्रेष्ठ गुण मैं आप पर भरोसा रखता हूँ दिव्य दया पवित्र आत्मा के अनंत प्रेम मैं आप पर भरोसा रखता हूँ दिव्य दया पिता ईश्वर जिसका उद्गम है मैं आप पर भरोसा रखता हूँ दिव्य दया ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ गुण मैं आप पर भरोसा रखता हूँ दिव्य दया हमारे समझ के परे रहस्य मैं आप पर भरोसा रखता हूँ दिव्य दया अति पवित्र त्रिएक ईश्वर के रहस्य से बहने वाली धारा मैं आप पर भरोसा रखता हूँ दिव्य दया मनुष्य एवं सद्भूतों की बुद्धि से परे मैं आप पर भरोसा रखता हूँ दिव्य दया संपूर्ण जीवन हर आनंद के मूल स्रोत मैं आप पर भरोसा रखता हूँ दिव्य दया स्वर्ग से अधिक चाहिए मैं आप पर भरोसा रखता हूँ दिव्य दया चमत्कार हर अक्षत के स्रोत मैं आप पर भरोसा रखता हूँ दिव्य दया सारे विश्व को घेरने वाली मैं आप पर भरोसा रखता हूँ दिव्य दया शरीरधारी शक्ति के रूप में पृथ्वी पर अवतारे मैं आप पर भरोसा रखता हूँ दिव्य दया यीशु के चेतित हृदय से बहने वाली धारा मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य दया हमें और विशेष रूप से पापियों को यीशु के हृदय से मिलाने वाली धारा मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य दया पवित्र प्रसाद की स्थापना में मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य दया पवित्र कलीसिया की स्थापना में मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य दया पवित्र बपतिस्मा संस्कार में मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य दया पाप स्वीकार संस्कार में मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य दया यीशु में हमारी धार्मिकता एवं पवित्रता मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य दया यीशु में हमारी धार्मिकता मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य दया हमारी संपूर्ण जीवन में साथ रहने वाली मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य दया विशेष रूप से मृत्यु के समय हमें आलिंगन करने वाली मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य दया आनंद जीवन प्रदान करने वाली मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य दया हमारे जीवन में हर क्षण साथ निभाने वाली मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य दया हमें नरक की अग्नि से बचाने वाली मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य दया कठोर हृदय पापियों का मन परिवर्तन करने वाली मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य दया ईश्वर के सब रहस्यों में से अति रहस्यमय मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य
दिव्य दया सब विपत्तियों से मुक्ति दिला देने वाली मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य दया सब आनंद और प्रसन्नता का स्रोत मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य दया हमें शून्य से अस्तित्व दिलाने वाली मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य दया समस्त ईश्वरीय सृष्टि का मुकुट मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य दया जिसमें हम प्रभावित किए गए मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य दया दुखी हृदय की मधुर राहत मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य दया निराश आत्मा की एकमात्र आशा मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य दया भय के क्षण हृदय का विश्राम मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य दया पवित्र आत्माओं का आनंद और उल्लास मैं आप पर भरोसा रखती हूँ दिव्य दया पवित्र प्रेरणादायी आशा मैं आप पर भरोसा रखती हूँ हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है यीशु हमारी सुन हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है यीशु हमें क्षमा कर हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप कर लेता है यीशु हम पर दया कर हे शाश्वत ईश्वर जो अनंत दया और करुणा का असीम खजाना है कृपा करके हम पर दृष्टि डाल और हम में अपनी दया की वृद्धि कर जिससे हम कठिन क्षणों में हताश व निराश ना हो बल्कि पूरे भरोसे के साथ अपने आप को आपकी पवित्र इच्छा को समर्पित करें जो प्रेम और दया का दया है आमीन पिता से समापन प्रार्थना हे शाश्वत परम पिता अपनी करुणा में दया दृष्टि निरुत्साह एवं उदास आत्माओं पर डालिए हम हमारे प्रभु यीशु के अति पीड़ादायक दुख और क्रूस पर 3 घंटों तक भोगी प्राण पीड़ा के द्वारा निवेदन करते हैं कि इन आत्माओं को अपनी महिमा की नई प्रेरणा प्रदान करें इनके हृदय में सच्चा प्रेम भर दीजिए ताकि वे शीघ्रता से पृथ्वी पर दया का कार्य करें और आपकी दया का महिमा गान और स्तुति अनंत काल तक करते रहें आमीन।